नमस्कार। लगातार दुकानदारों के फोन आ रहे हैं कि जो नई गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। आपको बता दें कि जो पहले की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जो आदेश पहले का आया है वही रियासी में इंप्लीमेंट होगा। अधिक जानकारी के लिए एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी से बातचीत करते हैं। ये अभी अभी जिला विकास आयुक्त रियासी अजय कुमार शर्मा जी से मिलकर आए हैं। इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है, इन्हीं से जानते हैं। सर, आप अभी मिलकर आए हैं डीसी रियासी से, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या जो पहले आदेश था वही इंप्लीमेंट रहेगा या कुछ नया आदेश निकाला जाएगा? हाँ जी, पहले तो नमस्कार आपको। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि हमें फ़ोन आ रहे थे, उसी लिहाज से मुझे भी बहुत फ़ोन आए सुबह से लेकर। पहले मैं 12 बजे जहाँ पर आया और डीसी साहब जो मीटिंग में थे, तो फिर मैं चला गया और 3:30 बजे मुझे उनसे मिलने का टाइम मिला और मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि हमारे लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा कि जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। लेकिन मैंने उनको एक बार फिर कहा कि आप ऐसे कीजिए, सैटरडे को संडे को बंद कर दीजिए, बाकी रूटीन में खोलिए। क्योंकि आज आपको आपने देखा होगा रियासी शहर में 3 दिन के बाद दुकानें खुली हैं और कितना क्राउड था बाज़ार में। तो मैंने उनको ये भी बोला कि आप रोज़ दुकानें खोलेंगे तो इससे रश कम होगा। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से गाइडलाइन आई है उसी हिसाब से वो भी चलेंगे। उन्होंने आप ये भी कहा कि आप राइट और लेफ्ट कर दीजिए, लेकिन आपको पता है कि एक लाइन में अगर 4 किराने की दुकानें हैं तो दूसरी लाइन में एक भी दुकानें हो सकता है, एक दुकान हो तो दूसरे दिन कैसे खुलेगी? तो उसी हिसाब से मेरी परेशानी बनेगी। तो उसी हिसाब से मैंने आज डीसी साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आज आपको सोमवार को आपने खोलनी है दुकान और फिर आपको बुधवार को खोलनी है, फिर आपकी खुलेगी शुक्रवार को। शुक्रवार शाम को 8 बजे जो है आपने दुकान बंद कर देनी है और शनि एतवार को जो है 2 दिन का लॉकडाउन। 8 बजे या फिर 7 बजे? नहीं, 8 बजे के लिए उन्होंने बोला है कि 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि क्योंकि रियासी में इतनी कोई कर्फ्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि जम्मू की अलग बात है, क्योंकि जम्मू में गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ा क्राउड रहता है 12 बजे 1 बजे तक, तो रियासी में कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं अभी आपको कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि आप ऐसे कीजिए 8 बजे के बजाय 10 बजे लेकर सुबह जो नाइट कर्फ्यू उसका समय जो है वो 8 बजे की बजाय 10 बजे की आप मांग रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप ऐसे कीजिए 8 बजे के बजाय आपको 10 बजे कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं, लेकिन हो सकता है वो शाम तक कुछ ऑर्डर निकालें। लेकिन जो हमारे रियासी के लिए यही है कि आपको आज दुकान सोमवार को खुली है, उसके बाद बुधवार को खुलेगी, उसके बाद शुक्रवार को खुलेगी और शनि आतवार को लॉकडाउन रहेगा पूरा। यानी कि हफ्ते के 3 दिन अल्टरनेट डे में दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा जो रोजाना का नाइट कर्फ्यू है वो उसी तरह से जारी रहेगा। देखिए, अभी तक तो यही बात हुई है कि उन्होंने कहा कि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आप 8 बजे के बजाय 10 बजे कर दीजिए। गर्मियों के दिन है, लोग थोड़े से बाहर निकलते हैं, दुकानदारों को भी 1 घंटा और मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं आपसे बात नहीं इस बारे में कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है शाम तक वो उनका कोई ऑर्डर निकल जाए। तो मेरे को लगता है कि शायद वो 8 बजे के बजाय 10 बजे कर दें, ऐसा मुझे लगता है। तो जब तक नाइट कर्फ्यू लगेगा तब तक दुकानें खोल सकते हैं या फिर कोई समय निर्धारित किया गया है दुकानें खोलने को? नहीं, समय जैसे आपको पता है कि दूध दही की दुकानें जो है सुबह 6 बजे या 7 बजे खुल जाती हैं, तो उसी हिसाब से वो खुलेंगी। हमारे ढाबे वाले भी खुल सकते हैं, हमारे होटल वाले भी खुल सकते हैं, किराना मनारी वाले भी जो भी 8 बजे आते हैं उनको खोल सकते हैं, लेकिन वो 8 बजे पहले उनको बंद करना पड़ेगा जो अभी ऑर्डर है। उसके बाद क्या ऑर्डर आता है, 2 घंटे ज़्यादा मिलते हैं, तो वो शाम तक मेरे को लगता है कि वो ऑर्डर निकाल देंगे। तो हर हफ्ते जो वीकेंड है लास्ट के जो 2 दिन होंगे पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू रहेगा? देखिए, उन्होंने यही कहा कि आप फ्राइडे को रात को 8 बजे से लेकर मंडे को सुबह 7 बजे तक जो है वो कर्फ्यू रहेगा। उसी हिसाब से जो दुकानें जो हैं जैसे पहले खुल रही थी सब्जी वाली, वो हमारे होटल वाले हैं या हलवाई वाले हैं, वो खुली रहेंगी, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। कोरोना कर्फ्यू में डेयरी प्रोडक्ट्स और सब्जी वाली फ्रूट वाली वो दुकानें खुली रहेंगी? हाँ जी, हाँ जी, वो पूरे दिन खुल रहेंगी, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है अभी तक उन्होंने किया। तो जो शादियों में लोग जाएंगे कोरोना कर्फ्यू में शनिवार रविवार को, वो जा सकते हैं जैसे पहले जा सकते हैं? जैसे इन्होंने आपको पता है पहले भी ऑर्डर निकाला था, जो शादियों का कार्ड होता है या अपना कोई कार्ड है, आई कार्ड है, वो दिखाएंगे, उसके हिसाब से चले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैंने तो जहाँ तक कह रहा था कि आप ऐसा कीजिए 1 दिन के बजाय हमारा पूरा दिन 4 दिन दे दीजिए रियासी वालों का, 2-3 दिन बंद कर दीजिए। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डर वो निकालेंगे और जो कर्फ्यू का आपने कहा कि टाइम थोड़ा सा आगे हो जाए,
उसके लिए बातचीत हुई है, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ वो शाम तक आर्डर निकाल लेंगे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलकर आए हैं एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी, और जो गाइडलाइंस हैं वो पहले जैसी ही हैं, जो आदेश जारी किया गया था उसी आदेश को आगे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले फुल डे जो 3 दिन कोरोना कर्फ्यू रहा था, उसके बाद दुकानदारों को शायद ये लग रहा था कि शायद अब कुछ बदलाव किया गया होगा या कुछ नया आदेश निकाला गया होगा, लेकिन नहीं। जिस तरह से पहले अल्टरनेट डे में दुकानें खोली जा रही थी उसी तरह रियासी में चलेगा, और हफ्ते के 3 दिन जो हैं अल्टरनेट डे में दुकानें खोली जाएंगी। शनिवार और रविवार को जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा, और नाइट कर्फ्यू जो है म्यूनसिपल लिमिट्स में वो भी पहले की तरह जारी रहेगा, जिसका समय पहले 8 बजे से सुबह 6 बजे तक था। और इसके मायने ये निकलते हैं कि शाम 8 बजे तक जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें खोलकर रख सकते हैं। किसी तरह का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, ना कि सब्जी वालों के लिए, ना फल वालों के लिए, और ना ही अन्य दुकानदारों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। कोरोना नाइट कर्फ्यू से पहले पहले उन्हें अपनी दुकानें जो हैं वो बंद करनी होगी। नाइट कर्फ्यू आपको बता दें जो है वो म्यूनसिपल लिमिट्स के एरिया में रहेगा, यानी कि जो कटरा है 13 वार्ड और रियासी, कटरा में अल्टरनेट डे का फार्मूला नहीं अपनाया गया है, वहाँ पे राइट लेफ्ट का जो फार्मूला है वो अपनाया गया है। और दुकानों को लेकर भी जो आदेश है वो म्यूनसिपल लिमिट्स के लिए ही है, यानी कि बाहर के जो इलाके हैं उनके लिए ये आदेश नहीं होगा। सिर्फ म्यूनसिपल लिमिट्स में आने वाले कटरा के 13 वार्ड और रियासी के 13 वार्ड में आने वाली दुकानों में ही ये जो गाइडलाइन है वो फॉलो की जाएगी, करनी होगी, और इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी इन 2 शहरों में, कस्बों में रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।